और परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, प्रिय आपके हमारे सबकी अनुभव की बात है, स्वामी जी महाराज कई बार भरी सभा में सत्संग में कहा करते थे, बोले आप लोग और आपका जो स्वभाव सत्संग करने से पहले जैसा स्वभाव था, अब क्या स्वभाव वैसा का वैसा अब है? बोले नहीं। तो कहना मतलब क्या है कि सत्संग करने से, भगवान का भजन करने से, नाम जप करने से अंतकरण शुद्ध और निर्मल होता है। और संतों ने क्यों भगवान का नाम कीर्तन इसकी बड़ी भारी महिमा कही है। और आपने भागवत कथा भी सुनी होगी, उन भागवत कथा में भी अंतिम श्लोक बताओ, इतनी कथाएं हुई, इतना इतिहास सुनाया, इतनी घटनाएं सुनाई, लेकिन सबका निचोड़ यही बताया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम लोक समनस्तम नमामि हरि पद। स्पष्ट कहा भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। मैंने एक बार चर्चा करी ना, पश्चिम बंगाल में हमारे चैतन्य महाप्रभु जी जो कि 16 अक्षर का कीर्तन करवाते थे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और यही बात हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज कितने सालों तक सत्संग कराते थे, लेकिन आखिर में कलकत्ता में जब आपका अंतिम सत्संग था, तब बोले भाई अब सत्संग बहुत कर लिया, अब केवल साधन करना साधन। इसलिए परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश गीता भवन में 4 साल अंतिम वहीं रहे और करीब 103 साल के हो गए तब वो भगवान के धाम पता। तो वो केवल गीता भवन में आधे घंटे का सत्संग और आधे घंटे का हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इसका कीर्तन करवाते थे। और कीर्तन में भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, केवल हारमोनियम और ढोलक और मंजीरा तीन चीज़ होती थी, जैसे आजकल तो बहुत साधन हो गए। और उसमें कीर्तन ऐसा होता था, जिन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, किया होगा, और कितना आनंद आता था, क्योंकि संतों के सानिध्य में कोई भी काम करो उसका आनंद कुछ और ही है। तो इसलिए भागवत में भी ये अंतिम श्लोक आया है, रामचरितमानस में तो राम भगवान के नाम की महिमा तो प्रारंभ करी, और लेकिन भागवत जी में अंतिम श्लोक यही दिया, प्रणाम दुख समनास्तव नमामि हरि परम। स्पष्ट कहा क्या